हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा RD-50 के मडगार्ड्स के बारे में। ये मडगार्ड्स MS माइल्ड स्टील के होते हैं, तो इसलिए एज की वजह से इनमें रस्ट की प्रॉब्लम बहुत आती है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, जो मेरे एग्जिस्टिंग मडगार्ड्स थे वो कम्प्लीटली रस्टेड थे और उस वजह से बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो मैंने ये नए मडगार्ड्स लिए हैं, ये भी MS के हैं और क्रोम्ड हैं, और ये मैंने मिस्टर राजदीप फाडेकर कैलकटा से लिए हैं। ये उन्होंने एग्जैक्ट बनाए हैं, जो कि एग्जिस्टिंग जो कि RD-350 के साथ आते थे। तो इन केस आप लोगों को भी चाहिए तो आप उनसे ले सकते हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आप उनको फेसबुक पे ढूंढ सकते हो, राजदीप फाडेकर, वो कैलकटा से हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि किसी भी बाइक के मेटल मडगार्ड्स के अंदर ये रस्ट की प्रॉब्लम होती है। जब बाइक पुरानी हो जाती है, करीबन 10 साल 15 साल पुरानी हो जाती है, तो ये मडगार्ड्स में रस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर जो अंदर से रस्ट है वो बहुत डैमेज करती है मडगार्ड्स को। क्योंकि ऊपर से तो हम क्लीन कर देते हैं, मगर अंदर से बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्लीन करना। जनरली जो नए मडगार्ड्स हैं मेटल के, उनमें कंपनी गैल्वनाइज करके या एक प्रोटेक्टिव लेयर बना करके कोटिंग फिर देती है, मगर काफ़ी देर की यूसेज के बाद वो कोटिंग हट जाती है, जिस वजह से कि रस्ट लगना शुरू हो जाता है और आपके भी मडगार्ड्स की हालत मेरे पुराने मडगार्ड की तरह हो सकती है। ये आप देख रहे हो कि इसकी हालत कितनी ख़राब है, जिस वजह से कि मुझे नया मडगार्ड लेना पड़ा। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो इस रस्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए। और ये RD-350 नहीं, किसी भी बाइक में जिसमें कि मेटल के मडगार्ड्स हैं, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, ये रस्ट होती क्यों है? जब मैंने बात करी कि गैल्वनाइज करके देते हैं, तो प्रॉब्लम ये भी इसमें हो सकती है कि जब बाइक चलती है तो कुछ जो हैं पत्थर छोटे छोटे वो लगते हैं मडगार्ड के अंदर, जिस वजह से कि वो प्रोटेक्टिव लेयर जो हट जाती है, एक बार वो लेयर हट जाती है तो रस्ट लगना वहाँ पे शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी मिट्टी पड़ती रहती है अंदर, हम क्लीन करते हैं मगर फिर भी रस्ट एक बार लगना शुरू हो जाता है, तो उसको नहीं बचा सकते हैं। तो ये एक ऐसी कोटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक अच्छा ट्रिक है जो इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने शाइनी मडगार्ड्स को बचा के रखने के लिए रस्ट से काफ़ी सालों तक। तो दोस्तों, एंटी रस्ट कोटिंग तो काफ़ी तरह की आती है, तो इस कोटिंग में क्या स्पेशल है? ये रबराइज्ड कोटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कार्स और बाकी सारे जो व्हीकल्स हैं उनमें अंडरबॉडी कोटिंग यूज़ करते हैं। हम लोग भी इसी कोटिंग को यूज़ कर सकते हैं और अपने मडगार्ड्स को बचाने के लिए। तो मैंने इसके मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैंने एक प्रोडक्ट लिया जो कि मुझे अपनी लोकल ऑटोमोटिव पेंट शॉप से मिला। ये वो प्रोडक्ट है, आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं या आपको। तो ये कोट है, मैं इस प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, इस कंपनी ने मुझे इसके लिए कुछ पे नहीं किया है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, अपनी ऑटोमोटिव पेंट शॉप से जाके ले सकते हो रबराइज्ड कोटिंग। 3M की भी यही कोटिंग आती है, हाउएवर मैंने 3M की कोटिंग इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि वो एरोसोल कैन में नहीं आती है। जैसा ये एरोसोल कैन है, वो कैन में नहीं आती है, और उसके लिए मुझे लगता है घर पे करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पेंट ब्रश से उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने ये एरोसोल कैन लिया है, ये कुछ मुझे 250 रुपये तक का पड़ा है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो आप लोग भी यही यूज़ कर सकते हो। अब रबराइज्ड कोटिंग इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि जो पत्थरों से डैमेज है वो रबराइज्ड कोटिंग से थोड़ी प्रोटेक्टिव रहती है, तो आप इसलिए इसको यूज़ कर सकते हो। 3M की जैसे मैंने बात की, आप 3M भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ये वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एरोसोल कैन में आता है।
दोस्तों होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहता हूँ कि ये कोटिंग कैसी है। मैं एक पिक्चर भी आप लोगों के लिए डाल दूँगा, इफ़ यू कैन सी, देखिए ये ब्लैक कलर में कोटिंग हुई हुई है, तो आपको यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि ये कोटिंग आप किसी भी बाइक जिसमें मेटल के मडगार्ड जाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हो और अपनी बाइक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। पुरानी के लिए भी आप यही कोटिंग कर सकते हो, और इफ़ यू वांट नए मडगार्ड्स आपने चेंज किए हैं तो नए पे तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को ये करना चाहिए। ओके दोस्तों, होपफुली आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप लोगों को ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ RD 350 के बारे में।